ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी चेतना में एक पॉजिटिविटी लेकर के आना, एक पॉजिटिव सोच लेकर के आना। ये हमेशा अपने मन में जो भी अच्छा अच्छा है सोच लेना, ये सोच लेना मेरा परिवार बहुत अच्छा है, बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मेरे परिवार के सदस्यों के साथ बहुत ही अच्छा प्रेममय संबंध है, मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार भी बहुत स्वस्थ है, सभी लोग इस संसार में अच्छे हैं। क्योंकि जो भी तुम सोचते हो वही एनर्जी को एमिट करते हो। और याद रखो, लाइक एनर्जी एट्रैक्ट लाइक एनर्जी। जब आप कहते हो कि सभी लोग बहुत अच्छे हैं तो सिर्फ अच्छे लोग ही तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे। और जब तुम कहते हो जमाना बड़ा ख़राब है, लोग बुरे हैं, तो बुरे लोग ही तुम्हारी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपनी सोच को कृपा करके बदल डालो, पॉजिटिव सोचो, परिवार के बारे में पॉजिटिव सोचो, संसार के बारे में पॉजिटिव सोचो, अपने स्वास्थ्य के बारे में पॉजिटिव सोचो, अपनी संपन्नता के बारे में पॉजिटिव सोचो, तो तुम देखोगे तुम्हारा जीवन जो है एक वो वाइब्रेशंस वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसी के साथ साथ साधना, सेवा, संकीर्तन, वो जैसे पौधा लगा दिया, उसको जब तक पानी नहीं दोगे, सींचोगे नहीं, तो वो फलेगा कैसे? और वो जो सिंचाई है वो साधना और सेवा से है। जितनी निष्काम सेवा तुम करते हो, मन में पवित्रता लेकर के आते हो। और ये एक फार्मूला याद रखना, जो तुम जीवन में चाहते हो वही संसार को दो, तो कई हजार गुना तुमको वो वापस आएगा। अगर प्यार चाहते हो तो संसार को प्यार दो, और संसार कई हजार गुना तुम्हारे को वापस आएगा। अगर सहायता चाहते हो तो सहायता दो, कई हजार गुना वो हेल्प करने वाले लोग, कई हजारों लोग तुम्हारे लिए उठ जाएंगे। और अगर हम किसी को गाली देते हैं तो 1000 से ज़्यादा लोग हमें गाली देने वाले उठ जाते हैं। ये एक प्रकृति का मूल सिद्धांत है। इसलिए कभी बुरा करना नहीं, कभी बुरा कहना नहीं, और कभी बुरा सुनना नहीं। अच्छाई ही अच्छाई, तुम जो हो परमात्मा के अंश हो, जो आत्मा का स्वरूप है वो है सत चित आनंद। अब मन को मोड़ना है उस आत्मा की ओर, मन को मोड़ना है उस आत्मा की वाइब्रेशंस की ओर, मन को मोड़ना है जो जीवन में तुम चाहते हो वो एक विश्वास को पैदा करने की ओर मन को मोड़ना है। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया तो अर्जुन ने कहा, मेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? भगवान ने कहा, तेरा मन। और उसने कहा, ठीक है, और कोई मित्र भी है? कहा, सबसे बड़ा मित्र भी है तुम्हारा। उसने कहा, वो कौन? तो उसने कहा, तुम्हारा मन। मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। अगर मन को जो भी चाहो, मन को छोड़ दो, तू जो मर्जी सोच, तो वो बहुत बड़ा शत्रु हो जाएगा। और अगर मन की लगाम पकड़े रहोगे और मन से कहोगे कि जो मेरे को जीवन में चाहिए, जो मैंने गोल्डन बुक में लिखा है, बस वही सोचना है तुमने, तो वही तुम्हारा परम मित्र हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए क्रिएट करेगा। इसीलिए उपनिषद में लिखा है, मन ही करता मन ही भोगता। मन ही करता है, मन ही पैदा कर देता है, और फिर मन ही भोगता है और भोग के रोता है। लेकिन ये नहीं मालूम कि मन ने खुद ही इसको पैदा किया था। इसलिए मन को पवित्र करने के लिए ये साधना जरूरी है। क्योंकि मन में मैल होगा तो जो है सोच नेगेटिव हो सकती है, सोच नेगेटिव होगी तो फिर जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ घटनाएं हमारी होती रहेंगी। इसलिए साधना करना, सेवा करना, ये जरूर करना।